अस्सलाम वालेकुम। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमारा है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन होते हैं ऑर्बिट के, ठीक है। तो ऑर्बिट के इन्फेक्शन कौन कौन से होते हैं और क्या क्या उनके फीचर्स होते हैं, अब वो पढ़ेंगे। पहले हमने पढ़ा थायरॉयड आई डिजीज़। थायरॉयड आई डिजीज़ जो था वो थायरॉयड ग्लैंड की वजह से था। अब जो होता है ये इसके इन्फेक्शन है, ठीक है। इन्फेक्शन किसी भी बैक्टीरिया की वजह से हो सकते हैं। इसमें दो उन्होंने दिए हुए हैं कि एक होता है प्रिसेप्टर सेलुलाइटिस और एक होता है ऑर्बिटर सेलुलाइटिस। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये आपकी स्पॉज करें आईलिड है, ठीक है, और ये आपकी आई बॉल है। तो आईलिड और आई बॉल के दरमियान में एक सेप्टम सा होता है, ठीक है, जिससे क्या होता है कि यहाँ का इन्फेक्शन यहाँ स्प्रेड नहीं करता, ठीक है, और ना ही यहाँ का यहाँ ज़्यादा कर सकता है। इसलिए जो ये सेप्टम होता है इसके अगर अंटीरियरली क्या चीज़ होती है आईलिड, तो आईलिड का इन्फेक्शन हो जाए हम कहते हैं प्रीसेप्टल, मेन सेप्टम से पहले, और अगर इस सेप्टम के बाद अगर इन्फेक्शन हो जाए तो उसे हम कहते हैं ऑर्बिटर सेलुलाइटिस, मीन पूरा का पूरा जो ऑर्बिट होता है उसका इन्फेक्शन हो जाता है अच्छा खासा। अब प्रिसेप्टर सेलुलाइटिस की बात करें, आपके दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन आपका जो ये वाला है ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। तो आपने इसको अच्छे से घोल के पी जाना है। फिलहाल हम ये करते हैं, प्रिसेप्टर सेलुलाइटिस की बात करें तो ये होता है एक्यूट इन्फेक्शन ऑफ द सबक्यूटेनियस टिश्यूज अंटीरियर टू द ऑर्बिटल सेप्टम, ठीक है। अब ये है कि जो मोस्ट कॉमन जो होता है ना ये वाला, ये ज़्यादा कॉमन होता है एज़ कम्पेयर टू इसके, ठीक है। ये ज़्यादा इसके चांसेस होते हैं कि ये हो जाए। इसके अलावा चिल्ड्रन में ज़्यादा होता है। कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि इसकी इन्फेक्शन स्प्रेड करवाते हैं या करवाते हैं, वो होते हैं स्टेफ ऑरियस और स्ट्रेप्टोकोकस पाइजिस। ये दोनों बहुत कॉमन होते हैं जो कि प्रिसेप्टर सेलुलाइटिस करवा रहे होते हैं। तो आपके जो इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन है वो कहाँ से होता है, वो होता है जो आसपास स्ट्रक्चर्स होते हैं आपके मेन, अगर आपका होडिलम हो जाए या फिर ब्लीफराइटिस हो जाए या फिर सिनुसाइटिस वगैरह हो जाए, तो वहाँ स्प्रेड कर सकता है आपके प्रिसेप्टल रीजन के अंदर। इसके अलावा इसका जो स्प्रेड होता है वो एक्सोजिनस भी हो सकता है कि बाहर से कोई डायरेक्ट इन्फेक्शन स्प्रेड कर जाए या फिर ब्लड के थ्रू स्प्रेड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स कौन से होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखने हैं कि इसमें सारे जो सिम्टम्स आएंगे वो सारे के सारे आईलिड के आएंगे, कि आईलिड का ओडिमा हो जाएगा, उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, उसकी रेडनेस हो जाएगी, उसकी स्वेलिंग हो जाएगी, उसकी टेंडरनेस हो जाएगी, ठीक है। मेन आईलिड का ही सारा प्रॉब्लम जो होता है वो मेन इसमें नज़र आ रहा होता है। अगर हम इसकी आई को चेक करते हैं, ठीक है, मेन अगर किसी तरह से उसकी आई खुल गई है, ओपन हो गई है थोड़ी सी, तो हम चेक करते हैं, उसको कोई प्रोसेस नहीं होती। मेन उसकी जो आईलिड है वो जो उसकी ऑर्बिट है वो बाहर की तरफ मूव नहीं की होती, ना ही कंजक्टिवा कंजेशन होता है। इसकी नज़र बिल्कुल ठीक होती है, इस पेशेंट की व्हील क्वालिटी बिल्कुल ठीक होती है, ठीक है, आई की मूवमेंट्स बिल्कुल ठीक होती है। मेन वो अपनी आई जो है अंदर की तरफ मूव करवा रहा होता है, ठीक है। इसके अलावा पीपल का रिएक्शन चेक करते हैं अगर लाइट से, तो वो भी ठीक आता है। तो आपकी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सपोज करें वो आपको प्रोसेस दे देते हैं सिनेरियो के अंदर, साथ कहते हैं कि आईलिड की स्वेलिंग वगैरह है, तो आपको टोटली चेंज हो जाएगा ये ऑर्बिटल सेलुलाइटिस के अंदर। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्रोसेस इसके अंदर नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। इसके अंदर आई की मूवमेंट बिल्कुल ठीक होंगी, रिस्ट्रिक्टेड नहीं होंगी, व्हील इक्विटी बिल्कुल ठीक होगी। इसकी इन्होंने अगर दे दिया है व्हील इक्विटी खराब हो गई है, इसका मतलब ये है कि ऑर्बिटल सेलुलाइटिस है, और पीपल का रिएक्शन बिल्कुल ठीक होता है, ठीक है। तो आपने ये बात याद रखनी है कि प्रिसेप्टर सेलुलाइटिस के अंदर ये वाले जो पॉइंट्स हैं वो वाले नहीं होंगे, दिए होंगे, लेकिन ये वाले सिर्फ आईलिड के प्रॉब्लम्स दिए होंगे। अगर आईलिड के प्रॉब्लम भी दिए होंगे, आईलिड के अंदर स्वेलिंग वगैरह है, साथ में इनमें से कोई पॉइंट दे दे, तो इसका मतलब ये है कि वो ऑर्बिटल सेलुलाइटिस है। अगर हम बात करें इसकी ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट क्या होगी, सिंपल है कि हमने सिस्टमिक एंटीबायोटिक्स दे देने हैं, ओरल भी और आई भी लगा देने हैं, साथ हमने टॉपिकल एंटीबायोटिक्स दे देने हैं, साथ हमने एनाल्जेसिक्स दे देने हैं। बस सिंपल से इसका था ट्रीटमेंट, ठीक है। कि आप पिक्चर देख लें इसकी प्रिसेप्टर सेलुलाइटिस की, इसमें ये देखो आईलिड जो होती है वो इतनी ज़्यादा उसका डीमा हुआ होता है, स्वेलिंग और रेडनेस वगैरह हुई होती है, लेकिन अंदर आई हालांकि हमें नज़र नहीं आ रही, लेकिन होता ये है कि इसकी जो आई अंदर की तरफ होती है वो बिल्कुल ठीक होती है, सो कोई मसला नहीं होता, ठीक है। सो अब नेक्स्ट करते हैं हमारा ऑर्बिटल सेलुलाइटिस जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये आपको तकरीबन आना ही आना होता है, ठीक है, और तकरीबन हर साल तकरीबन आ ही जाता है ये। अच्छा, अब ये है कि इसमें होता क्या है कि इसके एक्यूट इन्फेक्शन ऑफ द ऑर्बिटल सॉफ्ट टिश्यूज पोस्टीरियर टू द ऑर्बिटल सेप्टम। ये तो ऑर्बिटल सेप्टम हमने निकाल दिया कि उसके पोस्टीरियरली होगा। ये आपकी आईलिड है, ये सेप्टम है, ये पोस्टीरियर जो आई है, इसका इन्फेक्शन होगा, लेकिन मोस्टली किसका होगा, ऑर्बिटल सॉफ्ट टिश्यूज का होगा। मीन आपकी ऑर्बिट के इर्द गिर्द जितने भी सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं इर्द गिर्द सारे के सारे, ठीक है, ऑर्बिट के अंदर जो होते हैं उन सब का जो है ना इन्फेक्शन हो जाता है इसके अंदर, ठीक है, बाहर स्प्रेड करेगा, पीछे जो है नर्व होती है इसको स्प्रेड कर सकता है। अब ये है कि ये इतनी ज़्यादा मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन होती है कि अगर पेशेंट आते हैं आपके पास, आपने फ़ौरन से इसको एडमिट करके फ़ौरन से अपने आईवी एंटीबायोटिक्स लगा देने होते हैं, ठीक है, क्योंकि एक तो ये क्या करता है कि वीएन को ख़त्म कर सकता है, दूसरा ये है कि ये इतना ख़तरनाक होता है कि इवन लाइफ को भी लॉस कर सकता है, क्योंकि ये स्प्रेड कर देता है ब्रेन के अंदर, ठीक है, वहाँ जाकर वन सनस थ्रोम्बोसिस करवा देता है, उसकी वजह से इंसान की लाइफ जो है वो ख़त्म हो सकती है। इसलिए आपने पेशेंट को फटाफट से एडमिट कर लेना है, ठीक है। और मोस्टली जो पेशेंट होते हैं वो कौन से होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं।
हम बात करें इसकी इटियोलॉजी की, तो इटियोलॉजी में सारे सारे आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस आ गया, निमोकोकस, स्टेफलोकोकस ओरियस हो गया, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिन्स हो गया, और एच इन्फ्लुएंजा वगैरह हो गई। मोड ऑफ इन्फेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, ठीक है। कोई ट्रोमा वगैरह हो गया, कोई फॉरेन बॉडी रह गई है, उसकी वजह से आपकी आईज में इन्फेक्शन स्प्रेड कर सकता है। इसके अलावा आपके जो साथ साथ पेरेनासिस सिनेसिस होते हैं, उनमें से मोस्ट चांसेस होते हैं कि स्प्रेड कर जाए। इवन कि आपके सिनेरियोस में हिस्ट्री देते हैं, वो कहते हैं कि पेशेंट को सिनोसाइटिस था, सिनोसाइटिस के बाद वो प्रेजेंट किया है फलां फलां सिम्टम्स के साथ, तो आप बताएं क्या होगा। तो आपने इसकी बात याद रखनी है कि इसमें जो होते हैं एथमोइड का सिनोसाइटिस होता है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपकी आई है, आई के साथ ही जाना आपका पड़ा होता है एथमोइड सिनेस। तो एथमोइड सिनेस का इन्फेक्शन होगा, स्प्रेड कर जाएगा आईज में, तो आइस में क्या करवा देगा, ऑर्बिटल सेलुलाइटिस करवा देगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो साथ कोई और टिश्यूज जैसे प्रीसेप्टल सेलुलाइटिस पहले से था, ठीक है, आइलेट का था, वो स्प्रेड कर सकता है। इसके अलावा होडुलम वगैरह, डेफ्रोसिस रिनाइटिस वगैरह, सिस्टाइटिस वगैरह भी हो सकती हैं। अच्छा, अब ये है कि इसके अलावा जो आपका रूट स्प्रेड क्या हो सकता है, कि कोई अंदर से इन्फेक्शन एंडोजेनस इन्फेक्शन है वो स्प्रेड कर गया, सर्जरी के बाद हो सकता है, या एंडोथेलमाइटिस हो सकता है। एंडोथेलमाइटिस भी आई के अंदर का इन्फेक्शन होता है, वो स्प्रेड कर सकता है। अब हम इसे क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो क्या क्या होंगे, बहुत ज़्यादा इसके इंपॉर्टेंट है। सिम्टम्स की बात करें इसके, तो इसमें क्या होता है कि पेशेंट कहता है कि उसे बहुत ज़्यादा एक्सक्रूशिएटिंग पेन हो रहा था, किसमें, जब वो आईज़ को मूव करवाता है तो उसको बहुत ज़्यादा पेन होता है। इसके अलावा उसकी जो आईज़ होती हैं वो क्लोज होती हैं, वो ओपन नहीं हो पा रही होती, ठीक है, क्योंकि आईज के अंदर जो होती है वो कीमोसिस होती है। कीमोसिस होता है कि आपकी जो आईज़ हैं अंदर की तरफ, जो आईज होती हैं उनमें जो टिश्यूज़ होते हैं वो बाहर की तरफ निकले होते हैं, इसलिए स्वेल करके ना आपकी जो टिश्यूज़ वगैरह हैं वो बाहर की तरफ निकले होते हैं, इसे कहते हैं कीमोसिस कहते हैं। इसके अलावा आईलेट की स्वेलिंग भी साथ होगी, तो आपने ये बात याद रखनी है कि इसमें आईलेट की भी फीचर्स देंगे साथ। डिप्लोपिया हो सकता है, मेलेज होगा, पेशेंट जो है ना फीवर से भी रन कर रहा होगा। अगर हम साइंस की बात करें, इसे कौन कौन से होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके फीवर तो होगा, पेशेंट को हम जब चेक करेंगे उसको फीवर होगा। इसके अलावा लिड का और पेरियोर्बिटल टिश्यूज़ का स्वेलिंग वगैरह हुई होगी। आईलिड को अगर हम देखेंगे तो उसमें क्या होगा, उसकी स्वेलिंग होगी, रेडनेस, वार्म, टेंडर, सब कुछ होगा जैसे प्रीसेप्टल के अंदर था, सब कुछ वैसा का वैसा ही होगा, आपने इसको नहीं भूलना, ठीक है। इसके बाद अगर हम कंजंक्टिवा की बात करें तो वही मैंने कहा कि मोसिस होगी, वो बाहर की तरफ निकली हुई होगी उसकी टिश्यूज़ वगैरह स्वेल करके। इसके अलावा आपकी जो ना आइज प्रोप्टोस होगी, ठीक है, इवन इतना वो नज़र नहीं आ रही होती क्योंकि लीड की स्वेलिंग इतनी ज़्यादा होती है कि आई की प्रोप्टोसिस नज़र नहीं आ रही होती, लेकिन अगर हम थोड़ा सा देखें तो इसमें प्रोप्टोसिस लाजमी होती है क्योंकि पीछे टिश्यूज़ का इन्फ्लामेशन हो गया है, तो वो पुश कर देती है आई को बाहर की तरफ, इस तरह से इसकी प्रोप्टोसिस हो जाती है। अगर हम बात करें एक्स्ट्राकुलर मसल्स की, तो उसकी जो मसल्स की मूवमेंट होती है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है। आपके डायग्नोस्टिक पॉइंट बताते होते हैं कि एक पेशेंट आया आपके साथ, ठीक है, उसकी आईलिड स्वेलो थी, स्वेलो के साथ साथ उसकी एक्स्ट्राकुलर मूवमेंट्स नहीं हो रही थी, तो आप बताएं कि इसमें क्या था, ठीक है, मेन स्वेलिंग कि अगर आई की मूवमेंट भी रिस्ट्रिक्टेड थी तो क्या होगा, तो ऑर्बिटल सेलुलाइटिस होगा। इसके अलावा ये बहुत लेट फीचर्स होते हैं इवन दो, लेकिन फिर भी हम बात करते हैं कि ऑप्टिक नर्व की डिसफंक्शन हो सकता है अगर वो इतना स्प्रेड कर जाए, वो इतना पुश कर दे आई को, ठीक है, प्रोप्टोसिस कर दे, तो इससे हमारी जो वीएन है वो डिक्रीज हो जाएगी। इसके अलावा आपकी आफ्रन पिपल डिफेक्ट होगा, ये डिफेक्ट वो होता है जो कि अगर हम लाइट डालें तो हमें रिएक्शन नहीं आ रहा होता पीपल का जो कि कंस्ट्रिक्ट होना होता है। फंडस एग्जामिनेशन करती हैं तो उसमें कंजेशन वगैरह मिलती है, ठीक है, रेटना की वेसल्स वगैरह जो होती हैं वो भी ख़राब हुई होती हैं, डिस्कोडिमा वगैरह हो सकता है इसके अंदर। फॉर वाइज कर लेते हैं कि इसमें आईलेट की फीचर्स मिलेंगे, ठीक है, इस जैसे मैं पिक्चर दिखाती हूँ, यहाँ से हम पकड़ लेते हैं कि इसकी जो आईलेट है वो स्वेलो होगी सारी की सारी, ठीक है, उसकी रेडनेस होगी, उसका कीमोसिस कंजक्टिवा कीमोसिस होगा, और इसकी पेरियोर्बिटल स्वेलिंग वगैरह भी हमें मिल रही होगी, ठीक है। और इसके अलावा अगर बात करें तो इसकी जो मूवमेंट होगी वो रिस्ट्रिक्टेड होगी। इसके अलावा इसकी आंख जो होती है वो प्रोप्टोस होगी, ठीक है, और इसके अलावा इसमें जो है ना बायोलिक्विडिटी भी इसकी ख़राब होगी और बहुत ज़्यादा पेनफुल के साथ पेशेंट प्रेजेंट करेगा। अगर हम इसकी डिजीज की बात करें कि एक पेशेंट आया है ऑर्बिटल सेलुलाइटिस के साथ, ठीक है, और हम इतने अच्छे डॉक्टर नहीं हैं, तो हमें इसके अलावा क्या क्या लग सकता है कि भाई इसके अलावा ये प्रॉब्लम हो सकती हैं, फिर इसको हम इन्वेस्टिगेट करके ठीक कर लेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या क्या होता है कि इसमें इडियोपैथिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो सकती हैं, हम ये कह सकते हैं। इसके अलावा रप्चर डर्मोइड सिस्ट हो सकता है, कोई डर्मोइड सिस्ट था पहले से वो रप्चर हो गया है। इसके अलावा रेब्डोमायोसिस सारकोमा हो सकता है, रेब्डोमायोसिस सारकोमा की मैं सीधे कर दिखाऊँ आपको, तो ये बहुत ज़्यादा इसकी भी बहुत ज़्यादा अजीब सी हालत होती है पेशेंट की। ये देखें इस तरह से रेब्डोमायोसिस सारकोमा पेशेंट प्रेजेंट करता है, ऐसा लग रहा होता है कि इसको भी क्या हो गया, ऑब्वियस सेलुलाइटिस हो गया, लेकिन होता है कि रेब्डोमायोसिस सारकोमा होता है। अगर ये बात डर्मोइड सिस्ट की बात करें, डर्मोइड सिस्ट जो है वो रप्चर करके अगर कॉन्टेंट वगैरह यहाँ पे आ जाए तो हमें लग रहा होता है
किसको जो है ना ओबिटस सेलुलाइटिस हो गया है। इसके अलावा ल्यूकीमिया हो सकता है, मेटास्टेटिक डिजीज जो होती है मतलब कैंसर वगैरह वो स्प्रेड कर सकती हैं। फिर सेप्टिक सेलुलाइटिस हमें बता दिया कि ये हो सकता है। इसके अलावा पेनोथेलमाइटिस भी हो सकता है। इसमें भी क्या होता है कि आई के अंदर वाले स्ट्रक्चर जितने भी होते हैं उनकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, उनका इन्फेक्शन हो जाता है सर्जरी के बाद। फिर हम उसको क्या करते हैं, उसमें भी मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड ही होती है, लेकिन हम जब वो पढ़ेंगे तब मैं आपको इसके डिफरेंशिएटिंग पॉइंट बताऊंगी कि पेनोथेलमाइटिस को और ऑर्बिटस सेलुलाइटिस को कैसे डिफरेंशिएट करना है। आगे हम बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस की, तो कॉम्प्लिकेशंस में ये होता है कि आपके इसमें तीन तरह के सिम्टम्स आ सकते हैं, ठीक, कॉम्प्लिकेशंस लीड कर सकती है। ऑक्यूलर भी हो सकते हैं, ऑर्बिटल भी हो सकते हैं, ब्रेन के भी हो सकते हैं। अगर हम सिर्फ ऑक्यूलर की बात करें, ठीक, अगर हम पेशेंट को ट्रीट नहीं करें तो बाद में क्या अंदर तरफ इन्फेक्शन स्प्रेड कर जाएगा, पेनोथेलमाइटिस हो जाएगा। इसके अलावा ऐसे ऑप्टिक नर्व की एट्रोफी हो जाएगी। इसके अलावा आपकी आई के अंदर कहीं ना कहीं एब्सेस बन जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा जब आपकी प्रोप्टोसिस इतनी ज़्यादा होगी तो आपका जो कॉर्निया है वो एक्सपोज हो जाएगा, तो एक्सपोयर केराटोपैथी हो जाएगी। इसके अलावा आईओपी बढ़ जाएगा, इंटरकुलर प्रेशर बढ़ जाएगा आई का। इसके अलावा ब्लाइंडनेस हो जाएगी, जो कि एक इंपॉर्टेंट या बहुत ज़्यादा खतरनाक जो है वो कॉम्प्लिकेशन है। अगर इसी बात हम ऑर्बिट की बात करें तो ऑर्बिट के अंदर एब्सेस कोई भी हो सकता है, ठीक है। ये सपोज ये ऑर्बिट है और ये आई बॉल है, पहले से का इन्फेक्शन यहाँ यहाँ बहुत ज़्यादा स्प्रेड किया हुआ है, ठीक है। साथ वो यहाँ पे कहीं कहीं एब्सेस बना दी, ठीक है, तो एब्सेस बन सकता है। इसके अलावा जो है कैने नर्व की पालसिस वगैरह भी हो सकती हैं, क्योंकि आपकी नर्व जो ऊपर से आ रही थी ऑर्बिटल यहाँ से, ये कौन कौन से आ रहे हैं, 3, 4, 6, 5 की ब्रांचेस वगैरह आ रही थी, तो सबकी कैने नर्व पालसी हो सकती है। ब्रेन में स्प्रेड कर जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसको मेनिनजाइटिस हो जाएगा। इसके अलावा हो जाएगा, सेरिब्रल के अंदर एब्सेस हो जाएगा, और इतनी ज़्यादा खतरनाक होता है ये कि इंसान की डेथ भी हो सकती है। तो ये हमने कॉम्प्लिकेशंस कर ली हैं, इसकी अपने अच्छे से इसको पढ़ लेना है। बात करते हैं कि हमने इन्वेस्टिगेट कैसे करना है। अपने इन्वेस्टिगेट ऐसे करना है कि पेशेंट से कहना है कि आपको कोई इन्फेक्शन तो नहीं था आसपास ना के इर्द गिर्द, ठीक है। पहले हमने उसे एडमिट तो कर लिया, उसे हमने आईवी तो लगा दी सपोज के, लेकिन फिर भी हमने उसे हिस्ट्री लेनी है, ठीक है, उसकी हिस्ट्री लेनी है कि कोई आपको इन्फेक्शन था आसपास या नहीं। ये ना हो कि उसको मे बी रेब्डोमायोसारकोमा हो, ठीक है, तो हमने उसकी हिस्ट्री ले ली है। उसके बाद हमने कंप्लीट फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ आई कर लिया है कि आई में जो जो आपके फीचर्स नजर आ रहे थे ऑब्वियस सेलुलाइटिस के, वो हमने सारे फीचर्स देख लिए हैं। उसकी एक्स्ट्रा कलर मूवमेंट्स चेक कर ली हैं, उसकी बी लिक्विडी चेक कर ली है, उसकी हमने पीपल का डिफेक्ट चेक कर लिया है, ठीक है। हर एक चीज़ हमने एग्जामिन करने के बाद हमने साथ साथ क्या करना है कि उसके लेबोरेटरी टेस्ट करवा लेना है। लेबोरेटरी टेस्ट के लिए हमने उसका ब्लड भेज देना है, सीबीसी के लिए, ईएसआर के लिए। इसके अलावा कंजक्टिवा और नेजल स्वैब लेना है कि कोई आपका बैक्टीरियल कल्चर तो नहीं है, ठीक है, कोई बैक्टीरिया तो नहीं है खतरनाक सा जो कि ये करवा रहा है सब कुछ, ठीक है। तो हमने ये कर लेना है, उसके अकॉर्डिंग हमने फिर क्या करनी है, एंटीबायोटिक्स देनी है बैक्टीरिया के अकॉर्डिंग। इसके साथ साथ हमने उसकी इमेजिंग भी करवा लेनी है कि उसका अल्ट्रासोनोग्राफी करवा लें, साथ साथ एक्सरे करवा लें बीएनएस का, कि ये ना हो कि कोई मैक्सिली का कार्सिनोमा स्पोज कर रहे हैं तो वो स्प्रेड करके आई में चला गया है स्पोज करें, तो कोई भी सिम्टम्स हो सकते हैं। इसमें हमने क्या करना है कि हमने एक्सरे करवा लेना है, सीटी स्कैन करवा लेना है, वहाँ का हमने एमआरआई करवा लेना है कि आपकी जो इन्फेक्शन है वो कहाँ तक स्प्रेड कर गया, मे बी वो ब्रेन तक स्प्रेड कर गया हो, तो हमने ये भी रूल आउट करना होता है कि पेशेंट को हम ठीक कर लें। इसके बाद हम करते होते हैं इसकी ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके जब भी क्वेश्चन आता है आपसे ट्रीटमेंट पूछते हैं, आपने एज सच छाप के आना है, ठीक है, तो आपने इसके याद रखना है कि मेडिकल दे देते हैं। मेडिकल में सबसे पहले हमने उसको एडमिट कर लेना हॉस्पिटल में, ठीक है। ये ना हो कि आप पेशेंट को सिर्फ और सिर्फ आई ड्रॉप दे के और एंटीबायोटिक दे के तो आप उसे घर भेज दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपने उसे एडमिट करना है, एडमिट के बाद अपने सिस्टम में एंटीबायोटिक्स देनी है, और सिस्टम में एंटीबायोटिक्स जो है मोस्टली हमें आई वी के थ्रू देने होते हैं। और कौन कौन से दे सकते हैं, अपने सबके सब नाम याद रखने हैं, सिफ्रेजिडीन, फ्लोक्सासिन, एनकोमाइसिन और मेटोनिडाजोल, आपको याद है, बहुत इजी सी हैं। आपने देने 4 दिन के लिए देने तक जब तक उसको जो फीवर है वो ठीक ना हो जाए, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम फिर ओरल पे लगा देते हैं उसको, ठीक है। अब उसके बाद हम देंगे उसको एनर्जेसिस देंगे पेन खत्म करने के लिए, एंटी इन्फ्लामेटरी देंगे ताकि उसका दर्द वगैरह खत्म हो जाए। इसके अलावा हमने टॉपिकल एंटीबायोटिक्स ड्रॉप्स वगैरह भी डाल रहे होते हैं आई के अंदर, साथ हमने ऑनमिट्स देने होते हैं रात के टाइम ताकि उसके जो आई के एक्सपायर हुआ है, एक्सपायर केटोपैथी हुई है, वो भी ठीक हो जाए जरा। इसके बाद अगर ये सब कुछ हमने करने के बाद भी इन्फेक्शन ठीक नहीं हो रहा, इसका मतलब ये है कि आई के अंदर जो है वो एब्सेस बन गई है, ठीक है, ऑर्बिट के अंदर एब्सेस बन गई, फिर हमने क्या करना है कि हमने सर्जिकली उसे ड्रेन करना है, ठीक है। सर्जरी करके हमने एब्सेस को निकाल लेना है ताकि वहां पे इन्फेक्शन का जो सोर्स है वो खत्म हो जाए। लेते हैं इसको, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने इन्फेक्शन पढ़े हैं दो तरह के, एक होता है परिसेप्टल होता है, ठीक है, और दूसरा होता है हमारा ऑर्बिटल सेलुलाइटिस। अब बात ये, इसमें सिर्फ और सिर्फ आइलेट के सिम्टम्स होंगे सारे के सारे, ठीक है। आइलेट्स की स्वेलिंग होगी, टेंडरनेस वगैरह होगी, इसमें क्या होगा, इसमें आइलेट के भी होंगे, ठीक है, प्लस आपके ऑर्बिट के भी होंगे सारे, ठीक है। अब आइलेट के क्यों होते हैं, इसकी ये बात मैं बताते चलूँ कि आपके सपोज करें ये आपकी सेप्टम थी, ये आई बॉल था, तो यहाँ का यहाँ स्प्रेड नहीं कर रहा था, लेकिन यहाँ का यहाँ स्प्रेड कर जाएगा, क्योंकि यहाँ जो इन्फेक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा सीवियर होता है, वो इतना सीवियर होता है कि वो स्प्रेड कर ही जाता है। या फिर सपोज करें सिनुसाइटिस हो गया है, ठीक है, सिनुसाइटिस स्प्रेड किया।
अब ज़रूरी तो नहीं है कि सिनुसाइटिस से वो सिर्फ और सिर्फ ऑर्बिट में ही करे, वो ऑर्बिट के साथ साथ आईलेट में भी स्प्रेड कर सकता है, इसलिए आपके ऑर्बिट सिनुसाइटिस के अंदर दोनों फीचर्स आएंगे। ठीक है, तो आईलेट की क्योर होगी, स्वेलिंग होगी, टेंडरनेस होगी, ठीक है, रेडनेस होगी, हर एक चीज़ होगी इसके अंदर। ऑर्बिट की क्या होगी, प्रोप्रोसिस होगी, इसके अंदर हमने पढ़ा प्रोप्रोसिस को वो दे सकती हैं। इसके अलावा क्या देते हैं, वी लिक्विडिटी उसकी ख़राब होगी, पीपल का रिएक्शन जो होगा वो ख़राब होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपकी जो एक्स्ट्राकुलर मूवमेंट्स होती है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है, बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। फिर हमने इसे क्या कहता है, हमने इसको हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया था, एडमिट के बाद हमने इसको एंटीबायोटिक लगा दी थी, आईवी लगाने के बाद हमने क्या किया था कि हमने उसकी सर्जरी कर ली थी, कोई एब्सेस वगैरह हो तो उसे हम ड्रेन कर लेते हैं।